नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीटू नर्सिंग पे। आप सबका स्वागत है। बिहार के आगामी CHO, जो फ्यूचर CHO बनने वाले हैं बिहार CHO में, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप लोग भर रहे हैं, और उस ऑनलाइन आवेदन में इतना सारा त्रुटि है कि आपको पता चल रहा होगा, त्रुटि का भरमार है। जिसका सक्सेसफुली हो गया है अच्छे से, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन ऐसे 10 एप्लीकेशन में से मात्र 2-3 ही ऐसे लोग हैं जिनका कि बिना किसी ग्लीच का, बिना किसी त्रुटि का फॉर्म फिलअप हो रहा है। बाकी 7 लोगों का समस्या वहीं का वहीं है। समस्या क्या है? समस्या तो हमने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि पेमेंट करने के बाद भी जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है, पेमेंट करने के बाद भी जो है उसमें पेमेंट सक्सेसफुली नहीं हो रहा है, जबकि बैंक से पैसे कट जा रहे हैं। उसके बाद हो रहा है कि लोग BC हैं, UR में हैं, फिर भी उनको 250 रुपये का चार्ज कट रहा है, जबकि 250 रुपये का जो फीस है वो सिर्फ फीमेल का है और जो SC ST कैटेगरी के हैं उनके लिए है, लेकिन BC को भी 250 रुपये फीस कट रहा है, किसी किसी UR को 250 रुपये कट रहा है। तो ये सारे ग्लिच जो हैं आपको बिहार CHO के ऑनलाइन करते समय आपने देखा हो, आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है। अब बच्चे करे तो करे क्या? और उससे एक और प्रॉब्लम क्या है कि जो इंटीग्रेटेड डाल रहे हैं BSc नर्सिंग में CCH के साथ, ठीक है, उनमें भी इग्नू का ऑप्शन आ रहा है यस या नो करने के लिए, उसमें भी बच्चे परेशान हैं। और परेशानी को दूर कैसे करें, इसके लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक कॉन्टैक्ट डिटेल करके एक ईमेल आईडी दे दिया गया है जो कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से दिया गया है, लेकिन वहाँ पे मेल करने के बाद आप विश्वास करोगे क्या रिप्लाई आता है? अब आपको हम दिखाते हैं कि क्या रिप्लाई आता है। और आप में से किसी का भी अगर उस मेल के माध्यम से समस्या का समाधान हुआ हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या प्रॉब्लम था और वो प्रॉब्लम जो है दूर हो चुका है, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ ईमेल करने से जो है प्रॉब्लम्स दूर होती है। ठीक है, तो आपसे सबसे निवेदन है कि जिनका जिनका समस्या का समाधान जो है मेल करने से ठीक हुआ है, वैसे लोग जो है एक बार ज़रूर हमको आप कमेंट कीजिएगा, ताकि और लोगों को आपसे आपका कमेंट से जो है कुछ लाभ मिल सके, हेल्प मिल सके। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपको क्या क्या बताएंगे। एक तो हम बात किए हैं आज जो HR सेल है आपका बिहार CHO के लिए, जो HR सेल है वहाँ पर हमने बात किया है, और टेक्निकल टीम जो उनके द्वारा कहा जाता है कि आप मेल कर दीजिए और टेक्निकल टीम जो है आपका हेल्प करेगा, तो टेक्निकल टीम कितना हेल्प करता है वो तो हम देख लिए हैं। आपको हम कुछ टेक्निकल टीम का रिप्लाई दिखाते हैं। देखिए, हमने पूछा था कि क्या जो हमने तो ये वाला आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था जिसमें कहा था कि क्या करेक्शन के लिए लिंक मिलेगा क्या, तो यहाँ पे देखिए क्या है, डियर कैंडिडेट देर इज़ नो ऑप्शन फॉर एडिट फॉर्म अगेन, एडिट करने का ऑप्शन नहीं है। तो ये हेल्प कहाँ से कर पाएगा आप बताओ? जिनको एडिट की आवश्यकता है, अगर आप एडिट करने का नहीं दोगे तो कैसे करेगा एडिट? और फिर आप कहते हो कि हेल्प करेगा, आप मेल कर दीजिए हेल्प करेगा। हम बच्चों को इसीलिए बोले थे मेल करने के लिए कि DV के समय अगर आपसे पूछे कि आप डेट में कैसे गलती कर दिए, DV के समय आपसे अगर पूछे कि आप इंटीग्रेटेड हैं लेकिन उसके जगह पे आप विथ CCH क्यों कर दिए, आप वो मेल दिखा सको कि देखिए सर, हमने स्टेट हेल्थ सोसाइटी को मेल किया था कि हमसे ऐसा ऐसा गलती हुआ है, लेकिन हमको करेक्शन का मौका नहीं दिए। एक प्रूफ होना चाहिए। हम तो बस प्रूफ के लिए आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग ईमेल करिए, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर आपके गलती को सुधार दिया गया तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुधारा गया, चाहे वो गलती कैसा भी हो, चाहे स्पेलिंग का मिस्टेक हो या फिर ईयर का मिस्टेक हो या फिर इंटीग्रेटेड से लेकर के मिस्टेक हो या फिर विथ CCH से लेकर मिस्टेक हो, इग्नू में यस या नो का मिस्टेक हो, पेमेंट का मिस्टेक हो या फिर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है वो उसका दिक्कत हो, आपको मेल डालना है बस। जो मेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसी मेल आईडी से उनके पास मेल जाना चाहिए। और मेल का क्या रिप्लाई आता है? मेल का रिप्लाई आता है, ठीक है, जो टेक्निकल टीम है उनके द्वारा मेल का रिप्लाई आता है, लेकिन आप जब उसका रिप्लाई पढ़िएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि उनको ऐसा लगता है कि कुछ पता नहीं है। एक हमारे सीतामढ़ी के हैं, उनका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो उन्होंने मेल किया तो उन्होंने कहा कि हम एक लिंक दे रहे हैं आप उसे डाउनलोड कर लें, आज तक लिंक नहीं मिला है उसको। अब बताओ ये समस्या है, पेमेंट कट जाता है लेकिन फिर से यहाँ पेमेंट करने के लिए बोलता है, अब बार बार पेमेंट क्यों करेगा बच्चा? ठीक है, तो कहाँ से कौन करेगा हेल्प ये बताइए आप। हेल्प करने के लिए जो जिनको बैठा रखे हैं आपने उसको देखिएगा आप। यहाँ पर देखिए हमने जो लोग सिलेबस को लेकर के हमारे पास मैसेज कर रहे थे कि सर परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, बिहार CHO का सिलेबस क्या होगा, तो अभी तक मार्केट में जो आपने देखा है कि क्वेश्चन नंबर 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े नर्सिंग क्लासेस ऐसा वीडियो बना चुके हैं, तो आपने बहुत कम ऐसे एग्ज़ाम देखे होंगे। अगर हम बिहार की बात करें तो आज तक 50 नंबर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आज तक 50 क्वेश्चन का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो अब कैसे हो जाएगा बताओ आप? लेकिन बड़े बड़े जो चैनल हैं नर्सिंग चैनल हैं, जबकि ऑफिशियल नहीं है, आप जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप पढ़िएगा 7/2024 का बिहार CHO का, तो उसमें सिलेबस को लेकर के, एग्जाम पैटर्न को लेकर के कुछ भी नहीं है, नथिंग, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहे हैं बड़े बड़े चैनल। 50 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, भाई ये मत करो यार, जब ऑफिशियल आपके पास नहीं है तो फिर क्यों वीडियो करना? जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश CHO में पूछेगा, जो राजस्थान CHO में पूछेगा, जो UP CHO में पूछेगा, अरे नर्सिंग से और अलग क्या पूछ सकता है, सिलेबस तो लगभग सबका सेम ही रहता है,
लेकिन बिहार से जो एक ऑफिशियल हैंडल होता है, एक ऑफिशियल सिलेबस होता है कि हाँ देखिए हम ये सिलेबस से एग्ज़ाम लेंगे और ये मेरा पैटर्न रहेगा, नहीं दिया है फिर भी लोग वीडियो बना रहे हैं। अब रिप्लाई देखिए इसका, क्या हमने कहा था कि आपके द्वारा जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट नंबर 724 बिहार सीएचओ से संबंधित परीक्षा से संबंधित सिलेबस या परीक्षा का पैटर्न क्या होगा दिया हुआ नहीं है एडवर्टाइजमेंट में। आपसे अनुरोध है महाशय, अगर बिहार सीएचओ का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न उपलब्ध है तो मुझे मुहैया कराने की कृपा करें। अब उनका रिप्लाई देखिए, ये है आपका हेल्थ सोसाइटी का रिप्लाई। ठीक है, हेल्थ सोसाइटी क्या रिप्लाई करता है, डियर कैंडिडेट वी डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग द सिलेबस, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द स्टेट हेल्थ सोसाइटी। हम स्टेट हेल्थ सोसाइटी को मेल किए हैं। अब ये किस हेल्थ सोसाइटी की बात कर रहा है वो जो हमको सिलेबस देगा, बताओ आप। ये हमको हेल्थ सोसाइटी से रिप्लाई मिल रहा है और ये वापस बोल रहा है कि हेल्थ सोसाइटी से कॉन्टैक्ट करें क्योंकि इनको आइडिया नहीं है सिलेबस के बारे में। अब जो टेक्निकल टीम है उनके पास आइडिया नहीं है सिलेबस का, तो अब सोचो कितना बड़ा यहाँ पे दिक्कत है। बिहार सरकार टेक्निकल टीम, टेक्निकल नाम पे कितना सैलरी देता होगा। अब बिहार है, हालांकि बिहार के बारे में तो आप जानते हैं, उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। एक तो 1 तारीख से साइट खुलना था, 1/11 से आप खोले हैं 4 तारीख से, और 4 तारीख से खुलने के बाद भी इतना डिस्टर्बेंस है तो ऐसा तो टेक्निकल टीम पे और ऐसा साइट बनाने वाले पे लानत है एकदम। ठीक है कि आप 4 दिन एक्स्ट्रा टाइम लेकर के आप साइट दिए हैं और उसमें इतना प्रॉब्लम। अब भरने वालों की संख्या कितना है, 10 से 20 हज़ार है। कुछ तो दूसरे स्टेट से सीख लो कम से कम, क्या कर कैसे होता है, क्या करना होता है। रेलवे 15-15 लाख फॉर्म लेता है 20 दिन में, 1 महीना में, उसमें तो किसी प्रकार का ग्लिच नहीं आता है। आखिर वो कौन लोग हैं जिनको 1 लाख रुपये महीना सैलरी देकर के बिहार सरकार हेल्थ सोसाइटी में बैठाया हुआ है और उसे एक साइट नहीं संभलता है, बताओ आप। सिर्फ आप टेक्निकल टीम का नाम लेते हैं, टेक्निकल टीम हेल्प करेगा, हम आपको ऑडियो सुनाएंगे वो जो हमने आज एचआर सेल में बात किया है, एचआर सेल में हम बात किए हैं आज, वो हम वीडियो ऑडियो आपको सुनाएंगे। ऑडियो जो है सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेस के लिए है, किसी प्रकार का प्रूफ में ये काम नहीं लीजिएगा, सिर्फ जानकारी देने का मेरा पर्पस है। ठीक है, सबसे पहले समस्या का समाधान हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है तो फॉर्म को कैसे डालें ताकि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करिए आप। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि पेज को रिफ्रेश होने दीजिए। आपको पता है ये जो EBC BC वाला जो समस्या हो रहा है, ये पेज रिफ्रेश ना करके और वो सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। आप जो बोल रहे हैं कि हम सर इंटीग्रेटेड डाल रहे हैं, उसके बाद भी जो है वहाँ पे इग्नू से यस या नो मांग रहा है, तो वो पेज रिफ्रेश नहीं हुआ है। आप पेज को रिफ्रेश होने दें क्योंकि पेज बहुत स्लो है। पेज रिफ्रेश होगा तो इग्नू का अपने आप हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए इस तरह से आप ये जो इंटीग्रेटेड करिकुलम है, जब आप इसको सेलेक्ट करिएगा तो थोड़ी देर छोड़ दीजिए, थोड़ी देर छोड़िएगा। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा पिक्चर सही नहीं है, इंटीग्रेटेड है। अब इंटीग्रेटेड में आप देखिए कहीं पर आपसे मांग रहा है क्या इग्नू का, कहीं नहीं मांग रहा है। और इसी में अगर आप पेज को रिफ्रेश नहीं होने देते तो यहाँ पे इग्नू का ऑप्शन जो है यहाँ पे रखा रहता। तो जो लोग भर रहे हैं वो तो एक अच्छे क्वालिटी का इंटरनेट यूज करें सबसे पहली बात, और पेज को रिफ्रेश होने दें, खुद से रिफ्रेश होने दें। ये नहीं कि जल्दी जल्दी भर रहे हैं तो जो यस है तो यस, नो है तो नो, जैसा भी है वैसा आगे बढ़ गए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जब तक पूरा पेज अच्छे से भर ना लें, सही सही भर लें, तब तक सेव एंड कंटिन्यू नहीं करना है। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो जो डाटा पहले से वहाँ पे मौजूद है उसी को लेकर के सेव और कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, तो प्रयास करिए कि पेज को रिफ्रेश होने दें, उसके बाद फॉर्म को कंप्लीट करें, तो आपको हो सकता है कि कम से कम दिक्कत हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेम वही बात है। ठीक है, एनेक्सचर में यस करना है, यस करके आप जब सेव करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ और बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत दिक्कत हुआ, तो फॉर्म इस तरह से भरिएगा तो आपको कम से कम जो है ना आपको ग्लिच मिलेगा। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी पेमेंट वाला और किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत है, ठीक है, इसको बात को ध्यान से सुनिएगा। किसी प्रकार का जिसको जो भी दिक्कत हुआ आप मेल कर दो, ईमेल आईडी जो है हम स्क्रीन पे पूरा दे देंगे इस बार, तो ईमेल आईडी हमसे मांगने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो में ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप अपने पेज में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और उसको मेल करिए। हिंदी में आता है हिंदी में करिए, इंग्लिश में आता है इंग्लिश में करिए। जो चीज़ें आपको दिक्कत हो रही है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अटैच करके भेजिए। ठीक है, और उस मेल को आप सेव करके रखिए कि हाँ हमने मेल कर दिया। ठीक है, और अगर आपका हेल्प हो पाता है तो ठीक है, नहीं हेल्प हो पाता है तो कोई बात नहीं है, DV के समय सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हालांकि इतना सारा समस्या, एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है, बताओ आप। जिनका एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है उनके पास एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, SHSB करके एप्लीकेशन नंबर आपके पास है, आपके पास पासवर्ड है। अगर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड होता है तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब DV के समय आएगा तो आपको एक बार आपको हेल्थ सोसाइटी जो है जाना पड़ेगा, हेल्थ सोसाइटी जाके हो सकता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाए, क्या कीजिएगा, आपको आपका हेल्प ही नहीं हो पाएगा। हेल्प हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपको दोबारा फॉर्म भरने की दोबारा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों दोबारा भरें हम, 500 का पेमेंट, अगर हम 250 का पेमेंट एक बार कर चुके हैं तो दोबारा क्यों करें। ठीक है, तो आप एक बार वो ऑडियो सुनिए जो हमने आज HR सेल में बात किया है, आप उनका ऑडियो सुनिए और ऑडियो सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि आपका हेल्प हो पाएगा क्या।
अगर हेल्प हो पाएगा तो ठीक है, अगर जो नहीं हेल्प हो पाएगा तो हमें वापस कमेंट करिए कि हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, एक बार पहले आप वीडियो सुन लीजिए। कब तक सॉल्व होगा नहीं बता सकते हैं, मेल आईडी पे मेल कर दिए हैं ना, तो मेल से तो कोई हेल्प नहीं मिलता है, एक भी हेल्प नहीं मिलता है किसी चीज में। तो आप मेल कर दिए हैं ना, देखिए सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। सही बात है, बिल्कुल 10,000 एप्लीकेशन आ रहा है, प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, तो 1-to-1 सॉल्व कर रही होगी टेक्निकल टीम में, आपको भी रिप्लाई आ जाएगा। अभी समय है, रिप्लाई तो मिलता है, बराबर रिप्लाई मिलता है मैम, हम यूनियन से हैं। हाँ, तो उसमें क्या है, किसी का पेमेंट पेंडिंग है जबकि पेमेंट कट गया है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है, किसी का BC1 है उसको 250 रुपये कट रहा है जबकि एप्लीकेशन में 500 रुपये कटना चाहिए था। सारा प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं ना, हमको कुछ नया नहीं बता रहे हैं, हमको सारा प्रॉब्लम पता है। ठीक है, और सारे प्रॉब्लम पे काम करने के लिए जो टीम है वो काम कर रही है, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे उसको करेक्शन कर दिया जाएगा। ठीक है मैम, हमने कल एक मेल डाला था जिसमें CHO का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेके किया था मैम, वो भी क्लियर नहीं है। हाँ वो भी क्लियर नहीं है, हो जाएगा जब एग्जाम होगा उसके पहले क्लियर कर दिया जाएगा। ओके ठीक है, तो देखा HR सेल का ये कहना है कि सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, HR सेल यही कहते हैं कि हम सब ठीक कर देंगे, आप मेल डालिए, टेक्निकल टीम आपका मदद करेगा। इसलिए हम आपको इसे पूछे शुरू में कि जिसका जिसका हेल्प हो चुका है एक बार कमेंट कीजिएगा कि सच में आपका हेल्प हो चुका है तो कोई बात नहीं है, और बाकी नया समस्या कुछ है, क्योंकि उनको पता है सारा प्रॉब्लम, उनको पता है, इतना फ्रिक्वेंट बोल रही है, इतना अच्छे से बोल रही है, इतना विश्वास के साथ वो कह रही है कि हाँ प्रॉब्लम्स के बारे में हमको सब पता है, वो प्रॉब्लम्स कब सॉल्व होगा ये नहीं पता। तो जब सॉल्व हो, जब वो कर दे सॉल्व, अच्छी बात है, नहीं सॉल्व होगा तो फिर हम लोग हैं। ठीक है, आप लोग बस मेल डालो, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को कोई सोचने वाली बात नहीं है, आप एक मेल डाल के छोड़ दो, जो होगा जैसा होगा। अगर 250 का पेमेंट ले रहा है आप BC हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं 250 का पेमेंट ले रहा है तो डाल दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, और क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर एक बार उसमें एरर आ गया है तो आपसे दूर नहीं होगा। ठीक है, जिनका पेमेंट हो चुका है उनको नहीं घबराना है, अगर दूसरा ईमेल आईडी से, दूसरा मोबाइल नंबर से अगर आप कर सकते हैं, पेमेंट नहीं हुआ है तो ठीक है, आपके लिए ऑप्शन है कि अभी पेमेंट नहीं किए हैं तो हम दूसरा कर लेते हैं, लेकिन जिनका पेमेंट हो चुका है वो दोबारा क्यों करें। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी अभी तक एग्ज़ाम का सिलेबस, एग्ज़ाम का पैटर्न ऑफिशियल हेल्थ सोसाइटी की तरफ से नहीं दिया गया है, किसी भी वीडियो पे, किसी भी आप जो आते हैं PDF वगैरह उस पर विश्वास ना करें। बाकी जो सिलेबस है ऑफिशियल, जो एक सिलेबस होना चाहिए CHO के लिए, उसके आधार पे आप अपना पढ़ाई रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी कुछ भी होता है इसमें तो हम ज़रूर अपडेट करेंगे, बाकी साइट से अगर ग्लिच हट जाती है, अगर टेक्निकल टीम अच्छे से काम करती है तो फिर हम आपको अपडेट जो है दे देंगे। ठीक है, बाकी आश्चर्य तो हमको इसी बात का होता है कि टेक्निकल टीम इतना सारा, टेक्निकल टीम सब जगह महंगा सैलरी लेता है, समझ रहे हैं, इंजीनियर जो टेक्निकल इंजीनियर होते हैं साइट सर्वर के लिए बहुत सैलरी लेता है, उसके बाद भी इतना सारा ग्लिच सर्वर में, और भी तो दूसरे स्टेट में होता है, लाख लाख फॉर्म गिरते हैं, कहाँ वहाँ पर दिक्कत होता है। आप एक 11 की जगह पे आप 4/11 को आप अपना ऑनलाइन शुरू किए, 4 दिन से आप क्या कर रहे थे, उसके बाद भी सिस्टम में इतना समस्या, इतना प्रॉब्लम, बताइए। तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी होगा आपको हम अपडेट देते रहेंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम्स होता है आप हमें कमेंट करके बताएं और हम उसका प्रयास करेंगे कि सोल्यूशन निकले। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।